हेलो दोस्तों, तो आज हम एल्कोहल फिनोल ईथर जो चैप्टर है उसको आज शॉर्ट में देख लेते हैं पूरे चैप्टर को। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एनसीईआरटी से हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कॉलवे, रामन, तीमान एंड विलियमसन, थ्री नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, तो कॉलवे क्या है, सैलिसिलिक एसिड बनेगा इससे कॉलवे में। ठीक है, और रामन तामन से क्या बनेगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, विलियमसन से आपका ईथर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ल्यूकास रिएजेंट याद रखना है क्या है, कंसंट्रेशन HCl प्लस ZnCl2। उसमें क्या है, इससे क्या फाइंड करते हैं अपन, टर्बिडिटी एंड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले टर्बिडिटी कौन देगा, 3 डिग्री एल्कोहल की सबसे कम समय में टर्बिडिटी आएगी और सबसे ज़्यादा 1 डिग्री की रहेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना, हर पेपर में आता है ये। ठीक है, तो अब क्या, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, तो सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी रहती है, 1 डिग्री एल्कोहल की, देन 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री। ठीक है, एल्कोहल क्या है, ये सभी एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एल्कोहल क्या है, वीकर एसिड है देन वाटर से। ठीक है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल कैसे फाइंड करेंगे, फिनॉल जो पी के वैल्यू एनसीईआरटी ने दे रखी है इसकी टेबल, ठीक है, उससे आप देख लेना, जिसकी पी के वैल्यू कम होगी उसकी जो एसिडिटी है, जिस फिनॉल की एसिडिटी ज़्यादा होगी, जैसे कि इम्पोर्टेंट है, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक है ऑर्थोमेटा फेनोल से। ठीक है, तो एसाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड से क्या बनता है, एस्पिरिन। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर आपको याद रख लेनी है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, H2 मॉलिक्यूल का रिमूव होना। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल का रिमूव होना मतलब वाटर का। ठीक है सर, तो 3rd डिग्री से ज़्यादा होगा, देन 2nd डिग्री से, देन 1st डिग्री से। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे, तो अपन क्या यूज करेंगे इसमें, PCC यूज करेंगे। ठीक है, और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को क्या कहते हैं अपन, पिक्रिक एसिड। तो इसकी स्ट्रक्चर एक बार याद रख लेना, एनसीईआरटी में दी हुई है इस वजह से। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर आपको याद रख लेनी है, ये आपका फिनॉल एल्कोहल हो गया ये। ठीक है, ये 2,4,6 पर नाइट्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई पिक्रिक एसिड की, आपको याद रख लेनी है। ठीक है, क्या मेथनॉल को क्या वुड स्प्रिट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल फ्रॉम किससे होती है, क्यूमिन से। वर्ल्ड वाइड पर सबसे ज़्यादा फिनॉल की जो प्रोडक्शन है वो क्यूमिन से होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको याद रख लेनी है, जैसे कि एक बार देख लेते हैं क्यूमिन की स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी में दी हुई है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। ठीक है, आइसोप्रोपिल, इधर आइसोप्रोपिल, इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपिल बेंजीन। ठीक है, इसका नाम क्या है, ये क्यूमिन है, इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। ठीक है, तो ये थे पूरा चैप्टर, इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर की आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।